बारह रबीउल अव्वल के दिन की मुनासबत से पाकिस्तान भर की ज़िला लैया में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। आज मिलाद ग्राउंड लैया में ज़िला इंतजामिया लैया की तरफ से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा राना असगर। ज़िला सतह पर ईद मिलादुन्नबी रूह परवर तकरीब मिलाद ग्राउंड लैया में मुनक्कद की गई, जिसमें मिलाद कमेटी के ज़ेर सरपरस्त आला पीर सैयद सिप्तल हसनैन शाह गिलानी, पीर सैयद रफाकत अली गिलानी, डिप्टी कमिश्नर लैया असफर ज़िया, DPO लैया सैयद अली रज़ा, AC लैया शीज़ा रहमान, DSP सर्कल सैयद रमीज़ बुखारी, सदूर अंजमन ताजरान मुजफ़र इकबाल दूर, वाहद बख्श बारवी, ज़िलाई सदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ बाबर खान खतरान, अल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद गुलाम रज़ा रिजवी, राजू भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ और नातिया कलाम पेश किए गए। तकरीब में खुसूसी खिताब मुफ्ती अहमद रजा आजमी ने फरमाया। मेहमान खुसूसियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। हाजरीन ने मौजूदा हुकूमत के अशरा शान रहमत लिलआलमीन मनाने को खूब सराहा। बस जाए उनसे गुजारिश करें, आखिरी नबी तो आ चुका है, आओ तुम भी उनकी जियारत कर लो। हम दुनिया को बताएं जिनके इंतजार में सारे मजहब हैं, वो तो आने वाला आ चुका है। हम लोगों को बताएं उनका तो मिलाद हो चुका है। बयान कर दिया, मैं एक मिनट में अपनी तकरीर को वाइंड अप करूंगा। दोस्तों बुजुर्गों, आज की इस तकरीर, इस माह मुकद्दस रबीउल अव्वल के महीने में, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक पहली हुकूमत है ये जिसने पिछले 70 साल में रबीउल अव्वल के महीने में पूरे 12 दिन सरकारी तौर पर जश्न का एहतमाम किया और तमाम इदारों में रोज़ाना हमारे प्रोग्राम होते थे। इसकी मिसाल स्टेट लेवल पे शान रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु मनाने की जो रिवायत है, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में मौजूद नहीं थी। कबले अजी कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला मिलाद शरीफ का महीना है जिसमें सरकारी सतह पर सरकारी इदारों में अशरा रहमतुल आलमीन मनाने का बाकायदा ऐलान किया गया। तो मुफ्ती अहमद रजा साहब अपनी तकरीर में कह रहे थे और दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हम सब पर राजी हो।